आफ्टर लेसिक, जिसमें लेसिक या फ्लैप बेस्ड प्रोसीजर्स या कॉन्टूरा विजन हो गया, वी कम ऑन टू अनदर एडवांसमेंट इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी विच इज नोन एज रिलैक्स. जिसका फुल फॉर्म है रिफ्रैक्टिव लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन. बेसिकली हमारी जो आंख की काली पुतली है, इसमें हम आंख में फ्लैप नहीं बनाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही थी. हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारा चश्मा हटाने के लिए हमें ऐसा एक लेंस आंख के अंदर लगाना पड़ता है, आंख के ऊपर लगाना पड़ता है चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस के द्वारा, वैसा ही एक लेंस हम छोटा सा लेंटिक्यूल हम कॉर्निया के बीचों बीच क्रिएट करते हैं लेजर से, और एक छोटे से इंसिजन से इसको हम बाहर निकाल लेते हैं. सो बेसिकली हम कॉर्निया का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे. तो जो यहाँ पे हमारी कॉर्नियल नर्व्स होती हैं थ्रू आउट द कॉर्निया, वो हमारा जो लेसिक में फ्लैप बनाने की वजह से डिस्टर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से आंख में ड्राइनेस पैदा होती है, वो प्रोसीजर अब नहीं हो रहा. हम कॉर्निया के बीचों बीच छोटा सा एक लेंटिक्यूल कट कर रहे हैं और 3 मिलीमीटर के इंसिजन से उसको बाहर निकाल रहे हैं. तो पहले लेसिक में जो हमें ऐसा एक 22 मिलीमीटर का फ्लैप बनाना पड़ रहा था, अब रिलैक्स में हमें सिर्फ 3 मिलीमीटर के इंसिजन से ये सर्जरी हमें कर सकते हैं. इससे विजन रिकवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है. एंड बिकॉज ऑफ द स्मॉल इंसिजन, बहुत ही सिंपल सी चीज है. मान लो आप सर्जरी कर रहे हैं कॉर्निया पे, और आप एक सर्जरी है जिसमें आपको इतना बड़ा कट लगाना पड़ रहा है, वर्सेस एक सर्जरी जिसमें आपको सिर्फ इतना सा कट लगाना पड़ रहा है. ऑफ कोर्स 22 मिलीमीटर वर्सेस 3 मिलीमीटर, 7 times का फर्क है. सो द चांस ऑफ एन इन्फेक्शन हैपनिंग आर 7 times इन दिस प्रोसीजर कंपेयर्ड टू दिस. बिकॉज जब ये इंसिजन हील करता है, व्हेन दिस इंसिजन इज हीलिंग, द चांस ऑफ एन इन्फेक्शन हैपनिंग आर थ्रू आउट द फ्लैप इंसिजन, वाइल in the lenticular procedure it is only just 3 millimeters, so the chances are much lesser. Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.